मारवाड़ी युवा मंच रायपुर शाखा 24 मार्च लॉकडाउन के प्रथम दिन से लगातार आज तक जरूरतमंद और असहाय लोगों तक स्वयं भोजन पहुंचाने का कार्य कर रही है। मारवाड़ी युवा मंच रायपुर शाखा के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि मारवाड़ी मंच के युवा सदस्य रवि शर्मा, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष शेखर शर्मा, प्रमोद कुमार अग्रवाल, संरक्षक ओम प्रकाश अग्रवाल, दिनेश मोदी ने स्वयं ही जरूरतमंदों को खाना वितरण करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रात दिन लगातार कार्य कर रहे मारवाड़ी युवा मंच ने सराहनीय पहल करते हुए वे परिवार जिनके घर एक वर्ष तक के छोटे बच्चे हो उन तक स्वच्छ ताजा दूध पहुंचाने का कार्य भी निरंतर चल रहा है। राम सागर प्रगड़ से करीब दोनों समय का भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। जो असहाय लोग हैं अभी किसी न किसी प्रकार से भोजन के अभाव में फंसे हुए हैं लॉकडाउन चालू होने की वजह से। आज एक विषम परिस्थिति कोरोना महामारी की पूरे विश्व में फैली हुई है और इसके लिए हमने सहायता केंद्र भी यहाँ पर चालू किया लोगों को जागरूकता फैलाने का कि आज के इस समय में किस प्रकार से सुरक्षा बरतते हुए आपको सावधानी के साथ रहना चाहिए और किनको भोजन की आवश्यकता है उसका भी भरपूर ध्यान मारवाड़ी युवा मंच, अखंड श्री अखंड राम नाम सप्ताह समिति, श्री गौड़ ब्राह्मण समाज एवं सभी के द्वारा, हम युवा साथियों के द्वारा रखा जा रहा है। जब से ये लॉकडाउन हुआ तब से इस कोरोना से सभी पूरा शहर जूझ रहा है, जिसमें सारी संस्थाएं जो है विशेषकर भोजन पे विशेष ध्यान दे रही हैं और कोई भूखा ना सोए इस पे तो विशेष ध्यान है ही है, लेकिन हम एक ऐसा पहल चालू किए हैं जिसमें जो दूध की सुविधा है जो जन्म से लेके एक वर्ष के बच्चों के लिए जो किसी भी तरह से व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं उनको हम अपने तरफ से व्यवस्था बना कर दे रहे हैं और जहाँ तक उचित हो सक रहा है जितने दूर तक हम जा सक रहे हैं वहाँ तक जाकर हम इस सेवा को उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। टीसीपी 24 न्यूज़ के लिए नितिन नामदेव की रिपोर्ट।